दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ग्लोब चौक गोलीकांड में आरोपी अंकुश शर्मा के घर पर चला बुलडोजर। अंकुर और अर्पित अतिक्रमण कर बनाया था कमरा। बड़ी खबर, बीएसपी और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्लोब चौक गोलीकांड में एक और आरोपी के घर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आरोपी अंकुश शर्मा के घर चला प्रशासन का बुलडोजर। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधा लाइव जुड़ता हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी से। जीत सुबोध जी, एक बीएसपी और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं, आरोपी अंकुर के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? मधु जी, बड़ी बात है कि ठीक आज से 6 दिन पहले भिलाई के ग्लोब चौक पर एक बड़ी वारदात होती है रात के डेढ़ बजे, जिसमें कि अमित जोश, जो कि एक निगरानीशुदा गुंडा बदमाश है, हिस्ट्री सीटर है, उसके साथ अंकुर शर्मा, यशवंत नायडू और एक अन्य, ये तीनों चारों मिलकर 3 युवकों के ऊपर गोली चला देते हैं, जिससे दो लोगों को गंभीर जो गोली लगती है, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उन्हें तत्काल रायपुर रेफर किया जाता है हायर सेंटर अच्छी इलाज के लिए। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई पर आती है तो पता चलता है अमित जोश फरार हो जाता है और यशवंत नायडू और अंकुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताया जा रहा है कि जो पुलिस की फाइल है उसमें दर्ज है कि अंकुर शर्मा और अर्पित शर्मा, जो कि दोनों भाई हैं, दोनों ही कुख्यात अपराधियों के लिस्ट में शामिल है। इन्हें हिस्ट्री सीटर के नाम से जाना जाता है। आज जब पुलिस अमित जोश के घर पर बुलडोजर चलाने के बाद यहां पहुंची सेक्टर 6 के एवेन्यू बी के पास, इस बड़े 3 मंजिले मकान में आप देख रहे हैं, यह पूरे 11 लोगों को यहां पर भी अवैध रूप से रखा गया था नीचे। हालांकि अंकुर शर्मा के द्वारा लाइसेंस में मकान लिया गया मगर अतिक्रमण करके एक अलग से कमरा बनाकर रखा गया था। और अमित जोश के जीजा के यहां जहां जिंदा कारतूस और पिस्टल बरामद होता है, वैसे ही हो सकता है कि आज की इस तफ्तीश में भी कुछ ऐसे आला हथियार, असला हथियार मिले पुलिस विभाग को, कि जिससे पता चले कि वाकई ये कितने संगीन अपराधों को, वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी हैं। और इन्हें धर पकड़ करने में जो कानूनी दावपेच की बात आती है पुलिस विभाग के द्वारा, उसे वे माकूल तरीके से पूरा कर लें। आज जिस तरीके से बुलडोजर यहां पर चलाया जा रहा है यूपी के तर्ज पर, उसमें मौजूद हैं बीएसपी प्रशासन के, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के सारे आला अधिकारी और भिलाई पुलिस, भिलाई नगर थाना कोतवाली के भी अधिकारी मौजूद हैं। ऐसे लगभग 50-60 से भी ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों की मौजूदगी में आज अंकुर शर्मा के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता दें, जहां अंकुर और अर्पित के अतिक्रमण कर कमरा बनाया था, वहां प्रशासन का बुलडोजर चला है। बीएसपी और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।